स्किटल्स का कितना बड़ा पैकेट है, पर हम इसे खा नहीं सकते। चलो एमा, इस संकेत पर ध्यान मत दो, ये अच्छा होगा कि देखे कितने स्किटल्स हैं। अरे वाह दोस्तों, हमें इसे खाना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट है। देखो मेरी ड्रेस लाल हो गई है, मेरा हरा है, विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक चुनौती की शुरुआत की तरह है। हम कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह यहाँ तो खाना है। इस ढक्कन के नीचे हमारे लिए क्या रखा है? चिकन ले, सुपर। सॉस डालना मत भूल जाना, इसके साथ स्वाद और भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कितना स्वादिष्ट कॉर्न है, इसमें निश्चित रूप से कोई चाल नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये मेरे सोडा में भी है। देखो मेरे पास क्या है, तुम शुरू करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये क्या, मेरा सोडा निकल क्यों नहीं रहा है? क्या ये लिक्विड नहीं है? अब मैं क्या करूँ? अरे यह जेली है। ओह, मैंने गलती से इसे अपने माथे पर मार लिया। अपना व्यवहार ठीक रखो जॉन, ये तो और भी अच्छा है, हमारे साथ भी शेयर करो। मिरांडा ठीक कह रही है, नहीं दूर हटो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम इतने असब क्यों हो? हम लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मुझे अपने जेली का आनंद लेने दो। ये अब खत्म हो गया है, यह मुश्किल नहीं था। तुम्हारी भूख अच्छी है, अब एमा की बारी है। दरअसल मैं इस तीखे सॉस को आजमाना नहीं चाहती। ऐसा लगेगा कि मैं चिकन पर इसे डाल रही हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। ऐसी तरकीब हमारे काम नहीं आएगी। okay. चलो सॉस डालो एमा। दोस्तों इस तीखे सॉस से भाप निकल रही है, मुझे यकीन है कि बहुत तीखी है। ओह जरा देखो तो ये लाल हो गई। मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैं दिखावा करूंगी कि इस चिकन में तीखी सॉस नहीं है, लेकिन ये नहीं हुआ। मैं जल रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। एमा मेरी ओर मत मुड़ो। अरे ये क्या है, लगता है मेरा कॉर्न टोस्ट हो गया है और वो पॉपकॉर्न में बदल गया है। क्या तुम कुछ भूल रहे हो? शांत हो जाए एमा, सब कुछ नियंत्रण में है, अब तुम ठीक हो। धन्यवाद जॉन। अरे मैंने चिकन लेग को जलाकर कोयले में बदल दिया, लेकिन अब मेरे पास पॉपकॉर्न है। हम लोगों को सब चीज में प्लस देखना चाहिए। ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हम भी इसे खाना चाहते हैं। नहीं अपने हाथ हटाओ, मैं शेयर नहीं करूंगी। जॉन देखो मिरांडा के कान पीले हो गए हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? सच तो यह है कि तुम्हारे कान भी रंगीन हो गए हैं। अरे ये सही है। चलो पता करते हैं कि इस बार हमारे लिए क्या है। लाल बेरी च्युइंग गम, बहुत ही अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। गम छोटा है, लेकिन मेरा तरबूज बहुत बड़ा है। दोस्तों मैं देख रही हूँ कि तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं कहोगे। ये जीवित कीड़े का एक पूरा कटोरा है। बोन एपेटिट मिरांडा, अपना मुंह खोलो। इसे दूर हटाओ, मैं जिंदा कीड़े नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जल्दी शुरू करो। धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी सलाह से कोई मदद नहीं होने वाली है, इससे ये आसान नहीं होगा। मैं दिखावा करूंगी कि ये कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन सही में बहुत खराब है। मेरी योजना बिल्कुल काम नहीं करती, बस बहुत हो गया। तुम आधे में नहीं छोड़ सकती, काम को खत्म करना होगा। खैर ये एक और बेवकूफी भरा टिप है। जॉन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, ये कीड़े मेरे मुँह में घूम रहे हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसे कैसे कर लेती हो? मुझसे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि यह एक बुरे सपने की तरह है। मैंने इससे बुरा पहले कभी नहीं कुछ खाया है। अरे नहीं मेरे गले में कीड़े फंस गए हैं, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तुम्हें मेरे ऊपर नहीं डालना चाहिए था। माफ करना ये गलती से हो गया, समझ लो कि मैंने तुम्हें चांस दिया है। धन्यवाद मिरांडा, मैंने पहले ही तरबूज को दो भागों में काट दिया है, अब मैं इसे खा सकता हूँ। कितनी सुगंधित है, यह सुगंध मुझे गर्मी की याद दिला रही है। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती जॉन, लेकिन लाल रंग तो मेरा है और तरबूज लाल है, तो मैं इसे खा लूंगी। और मैं तुम्हारे लिए इसके हरे छिलके को छोड़ दूंगी। लेकिन ये ठीक नहीं है, तरबूज तो मुझे मिला है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ये छिलका ले लो। मैंने इसे गुदे से निकाल दिया है, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है और मुझे इस बीज की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, तुम मुझे धोखा दे रही हो।
ये छिलके बहुत कड़वे हैं, मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। खैर तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी। अब तो हद ही हो गई, बची हुई चीज को मेरे ऊपर फेंकना बंद करो। एमा मिरांडा, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। दोस्तों तुम लोग बहुत मजाक किया हो, मुझे बहुत हंसी आ रही है तुम्हारे साथ, मैं तो अपने च्युइंगम के बारे में भूल ही गई थी। देखो फिर से उसे स्वादिष्ट मिल गया, ज्यादा जलो मत, मुझे बबल उड़ाते हुए देखो। अब एमा को सबक सिखाने का समय आ गया है, हम लोग उससे बदला लेंगे। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, किसी ने मेरा बबल फोड़ दिया। लाल रंग तुम पर बहुत सूट करता है एमा। अरे मेरे गर्दन तो रंगीन हो गई है, मजाक करना बंद करो। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक केकड़ा है, कितना भयानक, मुझे डर लग रहा है। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मिला है, लेकिन मुझे पता नहीं। खैर यह अच्छा है, मुझे तले हुए आलू की गंध आ रही है, ये स्वादिष्ट है, मैं खा सकती हूँ। अब शुरू करो मिरांडा, हम तुम्हें चांस देते हैं, कभी कभी तुम बहुत अच्छे हो जाते हो। आलू इतने गर्म है कि मानो वे अभी अभी ओवन से निकले हो, मुझे पसंद है, मैं पूरी थाली अकेले खाने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे खाने को समझने का समय आ गया है। अरे ये तो शुगर कैंडी है, चलो देखें कि अंदर क्या है। अरे हाँ, इसके साथ लॉलीपॉप और भी स्वादिष्ट होगा, और लेता हूँ। यह सही नहीं है, मुझे छोड़कर सभी को स्वादिष्ट चीजें मिली हैं, और मुझे ये भयानक केकड़ा खाना है। मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? मैं कुछ काटने की कोशिश करती हूँ, बहुत मुश्किल है। मैंने आप लगभग अपने दांत ही तोड़ लिए थे, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है, ये सबसे अच्छा खाना है, मैं बहुत सारा खा सकती हूँ। अरे मेरी प्लेट कहाँ गई? मुझे प्लेट का महसूस ही नहीं हो रहा है। एमा क्या तुम उसे ले गई हो? नहीं मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरे केकड़े ने लिया है। माफ करना मैं उसे रोक नहीं पाई, बातें करना बंद करो और मेरे फ्राइज वापस करो। लगता है लड़ाई शुरू हो रही है, अब मजा आने वाला है। ठीक है अपनी फ्राइज वापस ले लो, मैं अपने केकड़े का एक बाइट लेने की कोशिश करती हूँ। तुम क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, इस बार मैं इसे कच्चा नहीं खाने वाली हूँ। वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है एमा। ओ नहीं मैंने अपनी उंगली जला दी, कितना गर्म, इसे जल्दी से ठंडा करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि मेरे पास चिमटे हैं, अब मैं उबलते पानी से केकड़ा आसानी से निकाल सकती हूँ। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है कि मुझे इसका स्वाद भी पसंद आएगा। क्या हम भी इसे खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सोचो भी मत। मैंने इस केकड़े को पकाया है और मैं इसे खाऊंगी, सब कुछ सही है। कितना स्वादिष्ट है, बहुत सारा मीट है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट, मैं और खाना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि अभी बहुत बाकी है, लगता है कि मुझे केकड़े का मीट बहुत पसंद आ गया। लगता है यहाँ सब खुश है। वाह हमारे नाक को क्या हुआ, वे रंगीन हो गए हैं। ढक्कन खोलो। वाह मुझे डोनट मिला है, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे कुछ मीठा खाने का कितना मन हो रहा था, आखिरकार मैं खा सकती हूँ मीठा लॉलीपॉप। वाह अंदर क्या है, बिच्छू, ऐसा नहीं हो सकता। कैंडी, ये कितने सुंदर है। मिरांडा लाइन में रहो, मैं पहले हूँ, क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं पहले से डोनट खा रही हूँ? कितना कोमल और मीठा है, अद्भुत। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भी एक बाइट दो एमा। ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी उंगली काट ली। माफ करना, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह लो यह बैंडेज लगा लो, बेहतर होगा अगर तुम इसे लगाने में मेरी मदद करो। डोनट, ये मेरे इतने करीब कभी नहीं रहा। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मैंने कभी इतने भाग्यशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। मैं बैंडेज के बारे में भूल गया, मेरी सहायता के लिए धन्यवाद, लेकिन डोनट कहाँ गया? जॉन क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? हालांकि देर हो चुकी है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, अपना गंदा लॉलीपॉप खाओ। तुम क्या कर रही हो एमा, ये बहुत ज्यादा है। वैसे लॉलीपॉप उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तुम इसे कैसे खा रहे हो? हाँ मैं इसे नहीं देख सकती, मुझे ये पसंद है, यह रेगुलर लॉलीपॉप है और ये स्वादिष्ट है। ओ नहीं मैं बहक गया था, लगता है मेरे मुंह में बिच्छू है। कितना बुरा, इसे जल्दी से बाहर फेंक दो। तुमने हमें डरा दिया था, मेरा हो गया। अब तुम मिरांडा खुशी से, मैंने लंबे समय से कैंडी खाने का सपना देख रही थी। यह हरा है,
इसलिए यह मेरे लिए है। यह लाल है तो यह मेरा है, यह सही नहीं है। तुम मेरी सारी कैंडी ले रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। तैयार हो जाओ, जल्दी ही तुम्हें उतनी कैंडी मिलेंगी जितनी तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी। तुम क्या कर रही हो मिरांडा? गुलेल हटाओ। और मुझे ऐसा नहीं लगता, जितना हो सके अपने आप को बचाओ। एमा, मुझे लगता है कि हमें कैंडी को अपने मुंह से पकड़ना चाहिए, यह सबसे अच्छा तरीका है। ओ, ऐसा लगता है कि कैंडी खत्म हो गई, और कैंडी की जरूरत है। पीली कैंडी, वाह, आखिरकार मैं कैंडी खा सकती हूँ। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। कैसा लगा मिरांडा, पसंद आया? हाँ, बहुत। देखो हमारे हाथ रंगीन हो गए हैं। मैं पहले ढक्कन हटाऊंगी। वाह, गमी बियर वो कितना बड़ा है, बहुत अच्छा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बधाई हो। बेरी गमी मेरी पसंदीदा है। ओह, मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ सोचना होगा। मेरे पास आइडिया है, मुझे कट दिखाई दे रहा है, मुझे इसका उपयोग करना होगा। बढ़िया, अब मेरे पास गमी का एक बड़ा टुकड़ा है जिसे काटने में आसानी होगी। ये बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा गमी। मुझे और चाहिए, मैं अपने हाथों से एक टुकड़ा फाड़ने के लिए तैयार हूँ। बस बहुत हो गया, कृपया अगली बार अधिक सावधान रहना। वाह एमा, अब तुम लाल हो गई हो। मिरांडा तुम्हारी बारी। कच्चे अंडे का पहाड़, मुझे यह देखने की उम्मीद नहीं थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता, बोने पे थे। तुम मना नहीं कर सकती, नहीं तो हम तुम्हें खुद खिलाएंगे। नहीं, मैं किसी तरह संभाल लूंगी, हालांकि ये आसान नहीं होगा। ये बहुत गंदा है, मैं इसे निगल नहीं सकती। तुम्हें यह खाना ही पड़ेगा, मुझे मदद करने दो। अब मैं तुम्हारे लिए अंडे का स्मूदी बनाऊंगा, मेरा विश्वास करो तुम्हें यह पसंद आएगा। एक बड़ा ब्लेंडर लो और उसमें सभी अंडे तोड़ दो, ऐसे। ये बहुत आसान है, देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। सावधान जॉन, सारे छिलके मुझ पर गिर रहे हैं। माफ करना, अब कॉकटेल को मिलाना बाकी है। मुख्य बात है इसे सबसे ज्यादा गति से शेक करना। तैयार, इस कॉकटेल को मैं इस सुंदर ग्लास में डालूंगा। वाह, ये सच्ची में अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जॉन, अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। अरे हाँ, फिर से कच्चे अंडे का स्वाद। बस मैं अब और नहीं पी सकती। तुमने इसे मेरे मुंह पर क्यों फेंक दिया? ये कैसा धन्यवाद हुआ? मुझे आशा है कि मेरा खाना मेरे मूड को ठीक कर देगा। ओ नहीं, ये हरे मटर है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन खाओ, तुमने तो कहा था कि यही नियम है। सबसे पहले कैन को खोलना होगा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत आसान है, देखो एक बार और काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद एमा, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। मैं शायद उन गंदे मटर को नहीं खाता, शायद उसे मौका देना चाहिए। अरे हाँ, ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, एक बार में पूरा जार खा सकते हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये इतना पसंद आएगा। स्वादिष्ट था, लेकिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, लगता है कि मुझे गैस हो गया है। माफ करना, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तुमने ऐसा क्यों किया जॉन? छी, अब हमारा दम घुट रहा है। माफ करना, शायद यही आज का अंत है। पीटर तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे, मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला, एक कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है, यह बुरा नहीं है, स्वादिष्ट लग रहा है। अब सिर्फ तुम ही बची हो वेवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न, हाँ यह तो इसका एक पूरा पहाड़ है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर? तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ, इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह, क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ, मेरा हो गया। ओ, मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था, गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है।
मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह, ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छे फिल्म की कमी है। अरे, क्या मैंने सारे खा लिए? वो भी इतनी जल्दी? मुझे पता ही नहीं चला, एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यही मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। ये तुमने क्या किया पीटर, ये सही नहीं है, वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका, वो मेरे इतने करीब था ना इसलिए। चलो विवियन, अब तुम। कितना स्वादिष्ट है, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। हाँ, कितना दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ। हमारा मिशन शुरू हो गया है, ये सफल हो जाएगा, जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया, मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है? पीटर, वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो, तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया? ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया, अब वो गई यहाँ से तो कोई हमें नहीं रोकेगा। चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, एक पैक गम, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं रुकने वाली, मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह, किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ कितने सारे बबल गम है, ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी। माफ करना, मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा, पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह, इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो, मुझे इतना नहीं सोचना, यह मस्त है, मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं बचे। फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए, यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है। हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है, मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ, पर मुझे पता है क्या करना चाहिए। मुझे एक पंप की जरूरत है, देखो ये काम कर रहा है। वाह, अब यह हुई ना बात, मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है, इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बिलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए, निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मेरे बैलून को क्या हो गया, ये फट क्यों गया? माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था, ये बिल्कुल मजेदार नहीं था। जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ, मैं अभी वही करने जा रही हूँ। कितना स्वादिष्ट है, मैं खाना बंद नहीं कर पा रही, और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। ये बस शुरुआत थी, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन, वो ऐसा कैसे कर पा रही है। अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है? अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम, ये पूरा बर्बाद हो गया, और मेरी भौहें भी। कितना भयानक, मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है, मेरे हाथ में गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते, और रुकना चाहिए भी क्यों, ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह, इतना सारा गम है, ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है। देखो मैंने कितना मस्त बबल फुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। सही थी मेरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ।
तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह, दूध के साथ कुकीज। लेकिन इतना कम क्यों है? केवल एक कुकी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन, तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ। मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है? जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ, मुझे लगता है ये पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एकमात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर, तुम्हें क्या लगा था? मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कुकी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछे हैं? अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। पीटर, तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन, तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओ, इसमें कितनी फीलिंग है, इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है, ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन? दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह, मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर ग्लास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है, मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने सिर्फ स्वाद रखता है। और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कितने सारे कुकीज है, कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है? सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो, यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। यह सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरी दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भींग गई हूँ। यह मल्टीलेयर चुनौती समाप्त हो गई है। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय दोस्तों।